हैप्पी होली, होली की शुभकामना। भर दिया मैंने रंग में, रंग भर से बजा तो जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई, रंग भर से बजा लो जरा बांसुरी। सबको होली हैप्पी होली हो गई है, खूब रंग लग गया है, सबको भर दिया है। लीव करोली बाबा खेल लिए, लगा दी देखो उनको, सब होली खेल लिए, गाने लगा देते हैं। गाल तो बड़े बड़े हैं, उनके भी गाल लगाया जा सकता है। सॉरी सॉरी। हैप्पी होली, हैप्पी होली है। आपको भी लगाते हैं, इधर आओ, इनको को लगा लिया मिठुन के साथ। होली हैप्पी होली, व्यू इधर आओ, इधर आओ, हैप्पी होली, कम हियर। अरे क्या बाद में लगाना, रुक जा, मुझे भी लगाने दे, आ जा, तीनों की सेल्फी एक हो जाए। रंग वाले हाथ से पोछो ना, पास में आओ सब लोग, बिगाड़ मत। हैप्पी होली, जय भोलेनाथ। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। सफाई भी कल करनी पड़ेगी। हैप्पी होली। मैं भी वही सोच रही थी। होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। प्याज और हरी मिर्च, ये उड़द का पेस्ट है, प्याज हरी मिर्च सब डाला है, इसके पकोड़े बन रहे हैं। पहले मैंने सादा ही बड़ा बना लिया, इसमें दही डालोगे दही बड़ा हो जाएगा और ये पकोड़ा हो जाएगा खाने के लिए। खीर बन गई है, अब बना लेते हैं पूड़ियाँ।
हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। तो सुबह के बज गए हैं 9, मेरा स्नान पूजा कल होली के बाद, फिर शाम को मंदिर जो है साफ किया है, फिर पूजा किया है। सुबह हमारा स्नान पूजा सब कुछ हो चुका है, नाश्ता भी थोड़ा बहुत कर चुकी हूँ, ज़्यादा नहीं। ये देखिए अभी अगरबत्ती धूप बत्ती जल रही है, और भगवान जी को पूरा साफ किया है, पूरा मंदिर इतना वो होली में अबीर गुलाल सब कुछ फूल सबकी होली हुई थी भगवान जी से। अभी पीले कलर का हमने बिछा दिया है, येलो कलर के इस बार कपड़े हमने बिछा दिए हैं, और पूरा चेंज किया है सारा, पूरा ऊपर से नीचे पूरा अबीर, यहाँ तक नीचे तक सब जगह लगा हुआ था गुलाल, सब सफाई किया। तो पूजा वगैरह हमारी हो गई है और बच्चा पार्टी उठ गई है सब, अभी लोगों को भी नाश्ता वगैरह देते हैं। और साथ में मैंने आज क्या कर रही हूँ, मेरा ऐसे ही मूड हो गया, हालांकि बैगन जो हमारे पास था वो था सब्जी वाला, लेकिन अरे अरे जले ना, ये देखिए ये देखिए इसमें क्या किया है मैंने कि आलू टमाटर बैगन सब कुछ जो है रख दिया है भुनने के लिए, और थोड़ा सा भुन भी गया है, तो बैगन अब निकाल दे रही हूँ। पहले थोड़ा निकाला तो ज़्यादा हो गया था, ये बैगन थोड़े छोटे छोटे हैं, सब्जी वाले बैगन थे, लेकिन मैंने कहा कि आज तो खाने का मन है बैगन का भुरता, तो बनाना ही है। अरे भाई निकल जाए, और टमाटर भी रख दिया है, टमाटर लगभग हो गया है, इसको बस पलट देती हूँ। अभी तो आलू को होने में बहुत टाइम है, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े आलू हैं, तो ये मैंने रख दिए हैं, और इसको जो है ढक दूंगी, जिससे छिलका जो है जल्दी आसानी से छूट जाएगा, स्टीम बनेगा तो, इसलिए थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ। और इधर मैंने अब प्याज अदरक लहसुन मिर्च ये सब काट लिया है, इसको सीधा उसमें डालना है। तो ये सारा मैंने तैयारी कर लिया है, अजवाइन वाला आटा गूंथ के रख लिया है, बस मुझे बाटी बनानी है, तो आज तो हमारी पार्टी होने वाली बाटी चोखे की। टमाटर भी हो गया है, ला इसको छीला जाएगा। यार मम्मी थैंक यू सो मच, आपने मेरे को आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। छीला, ये ऐसी डिश है जिसको कि मान लो बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं, और बहुत ही हेल्दी डिश है। अगर हाँ इसको देखा जाए कि इसमें ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल डलता है थोड़ा सा, तो न डालिए, घी की जगह जो है बाटी में जो घी डलती है उसको न डालिए, तो बिल्कुल ही बिना घी तेल की ये चीज़ हो जाती है, और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है, कभी नहीं लगता है कि ये रूखा सूखा है। और भुना हुआ होता है तो सौंधापन भी खूब होता है। तो ये देखिए अभी मैंने सारी चीज़ें मिला ली है, अब अदरक को उसमें थोड़ा सा बारीक कर लें, नहीं तो मुंह में नहीं आए, बच्चों के मुंह में आता है तो उनको पसंद नहीं आता, तो इसलिए कटा हुआ तो था, लेकिन मैंने कहा लहसुन अदरक प्याज और हरी मिर्च इसको मैं थोड़ा सा और बारीक कर ले रही हूँ। इसको इस चॉपर में अगर बारीक कर लो तो बढ़िया एकदम बढ़िया हो जाता है। और इसमें नमक डाल दे रही हूँ, नमक के अलावा इसमें मस्टर्ड ऑयल अच्छा लगता है, कच्चा तेल सरसों का अगर आप खाते हो तो, ऊपर से अगर तेल डाला जाता है देखो उतना अनहेल्दी नहीं होता है, जब हम फ्राई करके खाते हैं वो जल जाता है, धुआं निकल जाता है, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये लीजिए, ये हमने इसको भी बारीक करके डाल दिया, मुझे चोखे की खुशबू आ रही है। चोखा बनके मस्त तैयार हो गया है, अब चलो बाटी बना लेते हैं। बात हो गया, अब इस पे बाटी बना ले रही हूँ, छोटी छोटी बाटी बनाई हूँ, आसान रहे।
अब इसमें डालेंगे थोड़ा घी और इसको बढ़िया घी डाल के लीजिए, हमारा तैयार हो गया दही बड़ा बाटी और चोखा। मैंने परोस लिया है सबका, दही बड़ा और चोखा और बाटी। कैसा है बताओ खाके? बेस्ट थिंग। तो मैं खा के बताती हूँ बाटी और चोखा। काफी दिन बाद बनाया, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है, सोंधापन लग रहा है, अच्छा है। दही बड़ा मैंने कल नहीं खाया था, कल मेरा व्रत था। बहुत बढ़िया, चलो खा लेते हैं सब लोग। मेरा तो फेवरेट है बस इमली की चटनी होती तो और मजा आता। वो चटनी है ना फ्रिज में, वो वाली हरी वाली ले आओ, इमली की हरी वाली ले आओ यार।